दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, शनि राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा? शनि देव 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इनका राशि परिवर्तन आपके लिए तो बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 चल रही है। अब ये 17 जनवरी 2023 को जब परिवर्तन करके आपकी राशि से ही निकल करके कुंभ राशि अपने शनि मूल त्रिकोण में पहुंच जाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद में शनि देव की 5 वर्ष आप बिता चुके हैं, अब 2.5 वर्ष बचे हैं, यानी कि 7.5 का तीसरा चरण आपके ऊपर शुरू हो जाएगा। लेकिन 7.5 नुकसान तो देती है, क्योंकि व्यक्ति इतना ध्रष्ट हो चुका है, इतना मतांध हो चुका है कि वो गलतियां तो करता है, लेकिन ये 5 साल सताने के बाद में अब ये 2.5 साल आपको फायदा देते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बहुत ही सोच समझ के गलती करता है, गलती करना ही नहीं चाहता है, हर कदम कदम पे फूंक के चलता है, तो निश्चित रूप से ये 2.5 साल बहुत ज़्यादा 7.5 के रूप में आपके लिए फायदेमंद रहते हैं, और हर व्यक्ति के लिए जिनके 7.5 का तीसरा चरण पहुंचता है उनके लिए फायदेमंद रहते हैं, और ये आपको निश्चित रूप से शनि परिवर्तन काफ़ी चीज़ों में फायदा देने वाला है। शनिदेव न्यायाधीश हैं, न्याय के कारक हैं, और उसके साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में शनि कलयुग में अपना आधिपत्य रखते हैं, क्योंकि कलयुग की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक काम शनि देव से ही संचालित होता है। आपका कोई भी छोटे से छोटा कार्य, बड़े से बड़ा कार्य आजकल टेक्निकल चीजों से ही हो रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप इत्यादि या इंटरनेट से संबंधित, यानी कि शनि की उपयोगिता हर जगह है। आपने जो भी आप डिजिटल पे कोई व्यापार कर रहे हो, वहाँ पर जो मशीन चला रहे हैं वो इंजीनियर ने बनाई, इंजीनियर को पूरी तरह से वो मशीन को शनिदेव ही कारक देते हैं, मतलब अपना प्रभाव देते हैं और उनके प्रभावत्व में आती है, उनके कारकत्व में आती है। इसलिए हम जानेंगे कि आखिर ये शनि आपके लिए क्या कुछ बदलने वाले हैं, क्या कुछ प्रभाव छोड़ने वाले हैं, और क्योंकि कोर्ट कचहरी के कारक ने वो भी जानेंगे कि क्या कुछ बदलने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शनि राशि जो परिवर्तन होता है ये पूरे 2.5 वर्ष के लिए होता है। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को परिवर्तन करके ये पूरे 2.5 वर्षों के लिए कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि 29 मार्च 2025 लगभग 2.5 वर्ष ये गोचर करेंगे, 29 मार्च 2025 तक कुंभ में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मकर राशि वालों, आपके लिए कैसा प्रभाव शनिदेव देने वाली है। राशिफल गोचर फल शुरू करें उससे पूर्व आपको यह जानकारी दे दें कि हमारा यह गोचर फल चंद्र राशि के अनुसार होता है। चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार ही इस राशि फल को देखें, बस सुने। अगर आप चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन सनसाइन जो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं सनसाइन वगैरह से बिल्कुल मत देखिएगा, बिल्कुल सटीक नहीं होगा। मून साइन के अनुसार मून साइन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा करें वैदिक ज्योतिष में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे और ये स्थिति दिखाती है आपकी राशि से या लग्न से, अगर मकर लग्न के भी हैं तब भी द्वितीय में पहुंच जाएंगे। पहले यहाँ पर क्योंकि आपके व्यक्तित्व के कारक, आपके लग्न के कारक, आपके राशि के कारक और द्वितीय भी बनते हैं, तो यहाँ पर ये प्रभाव क्या देंगे वो जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व देखो 7.5 के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँ। 7.5 के बारे में मैं सदा से कहता आया हूँ कि 7.5 कोई डरने की जरूरत नहीं है। 7.5 में वही डरेंगे जो बुरे कर्म करेंगे, और बुरे कर्म बहुत लोगों से होते हैं, सबसे ही होते हैं, कुछ ना कुछ गलती जाने अनजाने में सबसे होती है, बस उसे सुधारने की जरूरत होती है, अपने आप को बदलने की जरूरत होती है। जो लोग ज़्यादा ही मतान्ध हो जाते हैं, ज़्यादा ही अपने आप को सहनसा समझने लगते हैं, उनको सही आईना दिखाने के लिए ही 7.5 आती है। इसलिए आप कहते हैं ना कि ऊपर वाले से डरो, भगवान से डरो, वो इन्हीं से डरने के लिए हैं, क्योंकि उनके दूत यही हैं, यही कर्माधीश हैं, यही कर्म के आपके फल को देते हैं, न्याय करते हैं। इसीलिए इन 7.5 ढैया से डरने की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें भी कोई देख रहा है, और जो हम गलत कर रहे हैं, जो भी हम मिलावट कर रहे हैं कंपनी में, जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी से, केमिकल से, तो वो सब ऊपर वाला देख रहा है। तो
इसीलिए कहते हैं सारे साथी में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो। खास करके विशेष रूप से किसी गरीब को सताना, किसी पीड़ित को और पीड़ित करना, परेशान करना, ऐसी अगर कोई गलती करते हैं तो निश्चित रूप से आप डरेंगे भी और मरेंगे भी। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, गरीबों की भलाई करते हैं, लोगों को मदद करते हैं और अपने यथाशक्ति हर क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं या जितनी भी हो सके आप लोगों की अच्छाई करते हैं, तो आपके लिए शनिदेव भगवान हैं। शनिदेव आपको बहुत कुछ देंगे, आप कुछ भी ना दें लेकिन सुकून तो देंगे ज़िंदगी में। तो ये शनिदेव का प्रभाव रहता है। साढ़े साथी का ये तीसरा चरण है तो इसमें आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप 5 वर्षों में जो झेले हैं उस वजह से आप सुधर गए हैं, तो इसलिए आपके लिए 7.5 वर्षों में ये 2.5 वर्ष जो लास्ट के होते हैं ये बहुत ही खास होते हैं जिसमें आपको लाभ देते हैं शनिदेव। क्योंकि जब अच्छा करते हैं तो हमें शनि का अच्छा फल, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। शनि यहाँ पर बैठ करके द्वितीय भाव में बैठ करके धन की वृद्धि करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपसे लोग जो मिलेंगे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, जो आपको आगे बढ़ाएंगे, जो आपके साथ चलना चाहेंगे, आपका सम्मान बढ़ा देंगे शनिदेव क्योंकि आपके राशिपति हैं, आपके व्यक्तित्व को ऊंचा कर देंगे, धन की कमी को पूरा कर देंगे, धन बहुत देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो धन है आपके पास में, खास करके सेविंग्स हैं, जो आपने जोड़ा हुआ पैसा है, वो निवेश करने का वक्त है। ये 2.5 वर्ष निवेश बहुत करेंगे। शनि की दृष्टि की बात करें, तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जो कि इस चीज को दर्शाती है कि राजनीति में निवेश करना है, राजनीति में भी निवेश करें। दूसरा, व्यापार में निवेश करें, वाहन में निवेश होगा, मकान में निवेश होगा, धन का निवेश। यहां पर शनि की दृष्टि नुकसान नहीं, आपको बस निवेश करवाएगी, या निवेश कह लीजिए या अपने सुख साधनों को जुटाने के लिए खर्चे। बहुत ज्यादा पैसा तो लगेगा लेकिन आप कहीं ना कहीं जो पैसा कमाएं उससे आप सुख साधन भी जुटाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि से क्या होगा, आपके वाहन दुर्घटना, अगर आपका वाहन का क्रय विक्रय का काम है या ट्रांसपोर्ट इत्यादि का काम है तो उसमें जो वाहन दुर्घटनाएं होती थी, आपके वाहन क्षतिग्रस्त होते थे, तो वो अब नहीं होंगे, कोई दुर्घटना नहीं होगी। अगर कोई दुर्घटना हुई तो वो ज्यादा बड़ी होने वाली होगी, तो बहुत मामूली होगी। उसके साथ साथ शनि की यहां पर विशेष स्थिति जो बनेगी ये 10वीं दृष्टि से आपके लाभ को बढ़ाएंगे, आपको धन लाभ कराएंगे। लेकिन ये लाभ आपको इस समय के दौरान दिखेगा नहीं, लाभ दिखेगा 2.5 वर्षों के बाद में ही। लाभ कराएंगे, अनुभव आपको बहुत मिलेगा, बहुत सारे फायदे मिलेंगे, लेकिन अभी इस चीज को आप कहीं ना कहीं देख नहीं पाएंगे या महसूस नहीं कर पाएंगे। तो शनिदेव आपको ऐसा फल देने वाले हैं। यह जाना शनिदेव का प्रभाव। अब विशेष रूप से मैं कुछ बातें आपको बता दूं। शनि जो है यहां पर आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं में मुक्ति देंगे। कोई अगर कोर्ट केस चल रहा है उसमें आपको विजय दिला सकते हैं या मुक्त कर सकते हैं। जेल में है, कारागार इत्यादि में है, मतलब आपको परेशानी, कोई अगर पुलिस केस में फंस गए हैं तो वहां से निकलेंगे, ये विशेष स्थिति रहेगी। तो दोस्तों शनिदेव यह राशि परिवर्तन करके आपको ऐसा प्रभाव देने वाले हैं। अब जानते हैं उपाय क्या कर सकते हैं, क्योंकि उपाय महत्वपूर्ण है, उपाय से आपको और अच्छा लाभ मिल सकता है। उपाय में हनुमान जी की पूजा करिए, ओम हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करिए, ओम संसनिश्चनाय नमः इस मंत्र का जप करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और मंगलवार शनिवार कभी भी कर सकते हैं, रोज करेंगे तो भी अच्छा है। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो शिव भक्त बने रहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस अच्छे कर्म करिए और शिव भक्त बने रहिए, शनिदेव तो मेहरबान रहेंगे सदा। दोस्तों यह था आपका यह शनि राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।